अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक आया हूँ, एक बीपीपी का स्टूडेंट है। तकरीबन 1-2 महीने पहले आए, तो आज इससे इंटरव्यू लेते हैं बीपीपी यूनिवर्सिटी के बारे में, प्रोसेस के बारे में। तो चले इसे पूछते। जी मेरे भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शहजाद अली है। मेरा ताल्लुक जो है ना वो केपी से, मरदान डिस्ट्रिक्ट से, और मैं तकरीबन 20 अक्टूबर 2023 को यहाँ पर आया था यूके में। अब मेरे क्लासेस स्टार्ट हुए, एनरोलमेंट कर दिए यूनिवर्सिटी का, और 2 हफ्ते क्लासेस अभी मैंने लिए है। और मेरा जो कोर्स है ना वो MSc मैनेजमेंट विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, और तकरीबन 18 महीने का जो वीज़ा है वो मुझे मिल चुका है BPP स्पॉन्सर का। इसके बाद इंशाल्लाह 2 ईयर्स का मैं पोस्ट वर्क लूँगा। जी अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि बीपीपी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिला है, तो ज़रा प्रोसेस में मेरे इस व्यूअर को बता दें कि प्रोसेस आपने किया था, टेस्ट आपने कौन सा दिया था, प्रोसेस स्मूथ था या कुछ ऐसे मसले मसाइल थे जो लोग को पता नहीं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में आप ज़रा बता सकते? सही है। तो पहले तो ये है कि प्रोसेस में तो कुछ भी नहीं होता, आपने जस्ट कंसल्टेंट के पास जाना होता है, क्योंकि BPP के जितने भी होते हैं ना स्पॉन्सर देते हैं, मतलब आपको केस लेटर इशू करता है, तो सब आपके एजेंट के थ्रू होता है। तो BPP खुद कम्युनिकेट नहीं करती स्टूडेंट के साथ, तो इस वजह से मैंने वो प्रोसेस स्टार्ट किया। तकरीबन मेरे प्रोसेस को 3 to 4 साल लगे थे। तो मैंने जो टेस्ट करवाया था वो एक्सपर्ट ELT टेस्ट था, उसमें मेरे ओवरऑल जो स्कोर आया था 7 बैंड्स आए थे मेरे। तो उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी ने मेरा इंटरव्यू कराया। तकरीबन 15 मिनट का मेरा पहला इंटरव्यू था, तो उसमें जो 2-3 क्वेश्चन थे उसमें वो मेरे जो ट्यूटर थी इंटरव्यूअर उसमें थोड़ी कन्फ्यूजन थी, तो उसने इसके बाद तकरीबन 1 हफ्ते बाद मेरी इंटरव्यू जो रीशेड्यूल कर दी। तो फिर मेरे एक दूसरे इंटरव्यू के साथ इंटरव्यू हो गई, तकरीबन वो 9 मिनट्स की थी, तो उसमें वो कन्फ्यूजन क्लियर हो गई। पर बस तकरीबन 2 दिन के बाद मुझे रिजल्ट दे दिया कि आप अपना वो पीस सबमिट करवा दे। अच्छा, और प्रोसेस ये तो था, आपने प्रोसेस के बारे में बता दिया, बाकी आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में आपने क्या पढ़ा था और यहाँ पे आप आके आपने कौन सा कोर्स लिया है, और कोर्स के बारे में थोड़ा इंट्रो दे दें। जी, पाकिस्तान में तकरीबन 2015 से मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट की थी। अब्दुल रेहान यूनिवर्सिटी मरदान गार्डन कैंपस से मैंने ग्रेजुएशन की है। 2019 में मेरी ग्रेजुएशन जो कंप्लीट हो गई थी। मेरा जो सब्जेक्ट था वो था बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर, 4 ईयर्स का था। और जब मैं यूके आया हूँ तो यहाँ पर जो मेरा कोर्स है वो तकरीबन वीज़ा तो 18 मंथ्स का है, लेकिन कोर्स जो है ना वो 1 ईयर का है, तकरीबन 12 मंथ्स। और बाकी जो टाइम है वो यूनिवर्सिटी आपको इस तरह देती है, मतलब अगर आपको कुछ अल्लाह ना करे अगर आपके पेपर होल पेपर में कोई मसला आ जाए या वो फेल हो जाए, तो उसको इस वजह से आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा देते हैं। तो मेरा जो कोर्स है वो 12 मंथ्स का है, और ओवरऑल 8 सब्जेक्ट्स है उसमें, और MSc मैनेजमेंट विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स है। बस यही सिनेरियो है। और यूनिवर्सिटी की फीस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, तकरीबन 2 इंस्टॉलमेंट आपने फीस पे करनी है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है ना वो तकरीबन 7,440 पाउंड मैंने जमा करा है। इसके बाद तकरीबन 4,800 समथिंग रिमेनिंग रहते हैं, वो मैं इंशाल्लाह सबमिट करवा दूंगा यूनिवर्सिटी को। अच्छा, तो यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट के बारे में आप ज़रा मुझे बता दें, यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लोकेशन कैसा है, आप जहाँ पे रह रहे हैं उसे ट्रेन पे जाते आप या बस पे जाते, तो क्या सूरत हाल है, इसके बारे में आप ज़रा हमें बता सकते हैं? यूनिवर्सिटी की जो मैनेजमेंट है वो तो बहुत कोऑपरेटिव है, जो ट्यूटर्स है वगैरह सब कोऑपरेटिव है। मतलब आपको जब यूनिवर्सिटी में पहला दिन मैं गया था तो वहाँ पर एक इंफॉर्मेशन डेस्क था, उसमें मैंने इन लोगों के साथ कम्युनिकेट कर दिया। उन्होंने मैंने उनको कहा कि मैं भी आया हूँ, तकरीबन 2-3 दिन हो चुके और मैंने एनरोलमेंट करना है, तो उसने वो सारा प्रोसीजर मुझे बता दिया। पहले मैं अपने हब पे लॉगिन हुआ, उसके बाद जो प्रोसेस थी वो मैंने कर दी, BRP कलेक्शन और जो डॉक्यूमेंट्स थे रिक्वायर्ड एनरोलमेंट के लिए वो मैंने वहाँ पर सबमिट करवा दी। बस तकरीबन 2 दिन में मेरा जो एनरोलमेंट था वो प्रोसेस वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद उन लोगों ने मुझे हब पे वो जो वीकली बेसिस आपको जो क्लासेस होते हैं ना उसकी शेड्यूल जो है ना वो आपको देते हैं। तो यूनिवर्सिटी की जो ओवरऑल मैनेजमेंट है वो बहुत स्मूथ है BPP, इसलिए अदर यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे जो
जो है ना बीपी बहुत स्मूथ जा रही है, मतलब स्ट्रोंग के साथ बहुत कॉपरेटिव होती है। और आपका जो कैंपस है वो कौन सा कैंपस है, आपने ये मेंशन नहीं किया भाई। मेरा जो कैंपस है वो सेंट्रल लंदन में है, बीपीपी पोर्ट सोकन कैंपस है, और तकरीबन जहाँ मैं रहता हूँ तकरीबन ट्रेन से 40 मिनट्स में मैं पहुँच जाता हूँ इजीली। ठीक है परफेक्ट। और यूनिवर्सिटी के बारे में हमें कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन जो मुझे पता ना हो या स्टूडेंट को पता ना हो, तो आप अगर शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर दें। बस यूनिवर्सिटी के बारे में ये है कि यूनिवर्सिटी जो है ना वो उसके लिहाज से दूसरी यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे जो है ना मैं आपको कहना चाहता हूँ कि दूसरी यूनिवर्सिटी के अगर आप कंपेयर करें बीपीपी और दूसरी यूनिवर्सिटी को, तो बीपी इस लिहाज से पहले ही कि इसका पी कंपैरिजन करते हैं तो बीपीपी का जो पी है ना वो बहुत माशाल्लाह कम है। और इनिशियल इनिशियल कितना था इस बार जब आपने पे किया है? इनिशियल तो तकरीबन जो पहला ऑफर लेटर मुझे मिला था 6,300 पाउंड्स के था, उसके बाद जो है ना जब मैंने वो टेस्ट और जो रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी की जब वो पूरी कर दी तो उन लोगों ने फीस जो है ना बढ़ा दी थी तकरीबन 1,000 पाउंड, तो फिर मैंने इस तरह कर दिया कि 7,440 पाउंड पहले इंस्टॉलमेंट कर दी है। अब जो बाकी फीस रहती है तो उसको या आप इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं, मतलब अगर आप यूनिवर्सिटी को कहे कि मेरे पास नहीं है और मैं मंथली पे करना चाहता हूँ तो आपको देते हैं कि आप 500 पाउंड पर मंथ जमा कर सकते, अगर नहीं कर सकते 2 महीने बाद आप तकरीबन 1,072 पाउंड आपने लाजमी सबमिट करवानी है पर मंथ? पर नहीं, 2 महीने के बाद आप कर सकते अच्छा हैं। अच्छा पर मंथ आपको यूनिवर्सिटी आपके साथ 500 पाउंड पे एग्री हो सकती है, अगर दो नहीं है आपके पास तो 2 महीने के बाद भी आप दे सकते हैं, वो कोई मसला नहीं होता ना, वो एडजस्ट हो जाते हैं। जब वो पहली चीज़ ये कि आपने बस इनरोलमेंट करनी यूनिवर्सिटी के साथ, बाज स्टूडेंट होते हैं वो यूनिवर्सिटी आते भी नहीं, इनरोलमेंट भी नहीं करते, तो इस वजह से वो इसका स्टेटस वो विड्रा कर लेते हैं और वो इलीगल हो जाते हैं। तो आपने अगर आप पढ़ने के लिए आते तो आपने पहले हो जाए ना यहाँ पर अपनी इनरोलमेंट लाजमी करनी होती है। फिर क्लासेस का वो जो मैनेजमेंट है तकरीबन 2 8 वीक्स के क्लासेस होते हैं और तकरीबन जो होता है ना 9 और 10 वीक्स वो आपको दे देते हैं एक्स्ट्रा, तो इसमें आपने अपना वो असाइनमेंट सबमिट असाइनमेंट उसको कहते हैं वो आपने सबमिट करवानी होती है। ओके शहजाद भाई, आप मुझे ये बताएं कि मेरा जो व्यूवर है ज्यादा सवालात कर दे कि बेचलर पे आप लोग को डीमोटिवेट कर रहे, तो बेचलर पे आना चाहिए या मास्टर पे आना चाहिए, ये पॉइंट आप जो है ना क्लियर कर दे जरा। जितने भी स्टूडेंट पाकिस्तान से आना चाह रहे हैं ना, तो इसके लिए सबको मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर मास्टर के लिए आ जाए तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि मास्टर में आपको तकरीबन 1 साल में अपना स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं, पीसीज भी अरेंज कर सकते हैं। जब लोग बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि स्टूडेंट आ जाते हैं बैचलर पे, तो बैचलर पे अगर यूनिवर्सिटी की पीसीज आप देख ले तकरीबन 14-15 हज़ार पाउंड बाज़ यूनिवर्सिटी के, तो उससे भी ज़्यादा है, तो आपकी फीस जो है ना वो फिर मैनेज नहीं हो पा रही, तो इस वजह से घर घर की तरफ से भी आपको होता है ना आपको टेंशन दे रहे कि आपके पास वो नहीं है ये नहीं है, तो इस वजह से मैं सब स्टूडेंट को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मास्टर पे आ जाए ना तो आपके लिए बेहतर हो, क्योंकि 1 साल आप जो है ना स्टडी कर ले और 1 साल कंप्लीट होने के बाद आप पोस्ट वर्क के लिए अप्लाई कर दें तो आपके लिए आसानी हो जाए। इसमें दो फायदे आपको हो जाते हैं, एक फायदा तो है कि आपके पास मास्टर की डिग्री आ जाती है, जो कि यूके की डिग्री आपको लोगों को पता है कि पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है और इसकी वैल्यू बन जाती है, अगर आप यहाँ पर डिग्री ले लेते हैं तो बहुत तो अच्छा है। इसके बाद अगर आपको डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको 2 साल का पोस्ट वर्क दिया जाए तो पोस्ट वर्क में आप पैसे कमा लें, फिर जब अगर आप यहाँ पर रहना नहीं चाहते तो अगर डिग्री आपके पास होती है ना अपने मुल्क में तो आपको इजीली बहुत बेहतरीन जॉब मिल जाती है, पाकिस्तान में भी नहीं, अगर दुबई में अप्लाई कर दे या आप सऊदीया वगैरह ओमान कतर मतलब हर जितने भी जगह पे मिल हर जगह जाती पे है। आपको जॉब मिल जाती है। अच्छा तो मेरा जो व्यूवर्स है ना इन सब से एक रिक्वेस्ट है कि आप बैचलर पे ना आया करें, क्योंकि बैचलर में आपसे जो है ना वो पीसी जो है ना वो फिर मैनेज नहीं हो पा रही, क्योंकि 1 साल में तकरीबन 14,000-15,000 पाउंड कमा लेना वो बहुत मुश्किल बात है। तो बाज दफ़ा ऐसा हो जाता है कि बस स्टूडेंट आ जाते हैं वो जस्ट यू कहना चाहते हैं, तो उसके बाद 1 साल के फिर वो यूनिवर्सिटी उसको टर्मिनेट करती है, वो अपने पीसी मैनेज नहीं कर पा रहे तो इसको बस फिर और इलीगल हो जाते एक हैं। और बात भी, आजकल हालात टाइट हो गए ना यूके में, हाँ और बिल्कुल जितने भी स्टूडेंट बैचलर पे आते हैं मैं तो कहता हूँ 95% इलीगल हो रहे हैं ना, तो इस वजह से मैं भी मशवरा दे रहा हूँ, हर एक बंदा जो है ना मैसेज करते कि डीमोटिवेट कर रहे हो आप लोग को, भाई मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं रियलिटी आप लोग को बता रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि स्पिटिंग नहीं करना चाहिए, लिटर में चीजें फेंकना है, तो मेरे इस भाई को जब ये आया मेरे साथ बैठा, मैंने इसको बताया अभी,
कि भाई ये चीजें आपने यूके में नहीं करने का, क्योंकि मुझे भी 100 पाउंड का जुर्माना लगा था। फिर इससे पूछिए जरा, कुछ दिन बाद, तकरीबन 3 दिन बाद, इसने रास्ते में स्पीटिंग की और इस भाई साहब को भी जो है ना 100 पाउंड का जुर्माना लगा। अगर आपने मेरे वो वीडियो नहीं देखे तो आप यहाँ पे देख सकते, लेकिन इससे पूछते कि इसने क्या गलती, क्यों 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 इसे जुर्माना लगा। चलो भाई आप जरा एक्सप्लेन बस कीजिए। तकरीबन जब मैं अकोमोडेशन शिफ्ट हुआ तो जब मैं आया तो मैं अपने रिलेटिव के पास था, तो तकरीबन 2 हफ्ते वहाँ पर गुजारे थे। पर मैं अपने अकोमोडेशन को शिफ्ट हुआ, अकोमोडेशन से निकल कर तकरीबन यहाँ पर एक है जगह एलपर्ट उसको कहते हैं, मैं वहाँ पर पूरी गया देसी जगह है, देसी लोग वहां पे था। रहते वहाँ पर सिर्फ पाकिस्तानी है, हैं बांग्लादेशी, श्रीलंकन और इंडियंस और ये लोग रहते हैं। तो मैं वहाँ पर एक मॉल में चला गया था, वहाँ पर जा रहा था तो वो पब्लिक प्लेस थी, मुझे पता रहा था तो मैंने स्प्लिटिंग कर दी। तो सामने एक बंदा खड़ा था, वो बस ऑटोमेटिकली मेरे पास आ गया कि उसका जो यहाँ पर था ना वो कैमरा पेट था, उसने कहा कि आपने सेक्शन इस सेक्शन का और उस सेक्शन के वो हाला वर्जी कर दिए, पब्लिक प्लेस में आपने स्प्लिटिंग कर दिए। और बस मुझे BRP लेके और मुझे 100 पाउंड की पेनल्टी पड़ गई। तो फिर मैं बहुत खफा था, फिर मैंने इन लोगों को एक मेल भी कर दी और एविडेंस मैंने उसके साथ अटैच कर दी। लेकिन मैंने कहा नहीं कि माना। मैंने एविडेंस भी अटैच कर दी उस मेल में, उस मेल का कि मैं यहाँ पर नया आया हूँ, स्टूडेंट हूँ और मुझे यहाँ के रूल्स का पता नहीं था, क्योंकि हमारी कंट्री में स्प्लिटिंग पे इस तरह का कोई लॉ नहीं है। तो इन लोगों ने कहा कि हमने आपकी एविडेंस और हर चीज़ मैच करके हमने बस वो कर दी कि आपने ये कर दी है, पेनल्टी आपको ज़रूर पड़ेगी। लेकिन उन लोगों ने मेरे साथ सिर्फ अच्छा ही किया कि मैंने तकरीबन 2 महीने का टाइम दे दिया, एक्सटेंशन दे दिया एक्सटेंशन आपने। दे दिया कि बस आप ये सबमिट करवा ले 4 जनवरी को और फिर आपकी वो जो हिस्ट्री है ना वो क्लियर हो जाएगी। तो बस यही चीज़ है। अच्छा, आप जो है ना, जो भी स्टूडेंट थे यूके में, स्पेशली बीपीपी यूनिवर्सिटी आ रहे हैं ना, मैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ का स्टूडेंट हूँ, तो आप क्या रिकमेंडेशन दोगे इन लोगों को? मैं लोगों को ये रिकमेंडेशन दूंगा कि अगर आपने मास्टर के लिए आना है तो बस BPP बेस्ट चॉइस है आपके लिए। और आप BPP, मतलब BPP के बहुत से वो है ना कैंपसेस भी है, मैनचेस्टर में भी है, बर्मिंगम में भी है, और लंदन में पोर्टसोकन कैंपस है जो मेन कैंपस है, वाटरलू कैंपस है, शेपर्ड बुश कैंपस है। तो BPP फीस के लिहाज कंपेरिजन कर ले तो दूसरी यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छी बनती है। और उसकी फीस जो है इंस्टॉलमेंट प्लान है, आपने जस्ट वहाँ से आके इनिशियल डिपॉजिट करने हैं, उसके बाद अपना वो जो इंस्टॉलमेंट में बाकी फीस है वो आप इंस्टॉलमेंट में दे दे। और यूनिवर्सिटी आपको तंग भी नहीं करती इतना, तो अभी तक तो सब चीज़ें अच्छी जा रही है, बस आपने प्रिपेयर होके आना है। ठीक है, तो ये थी वीडियो मेरे BPP यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के, मेरे भाई के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना राय ज़रूर कमेंट में शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लाजमी मेरा जो चैनल है इसको भाई लाजमी सब्सक्राइब करना है, और अपना ख्याल रखें, अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।